जोशीमठ भू धसाव आपदा प्रभावितों के पशुधनों के लिए हरिद्वार स्थित माँ तारा माता ओकरानंद ट्रस्ट के सौजन्य से जोशीमठ पालिका मार्केट में बने कैंप पशु आहार बांटा जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा बकायदा नगर के वार्डों में पशुधनों का सर्वे करने के उपरांत अब तक करीब 600 से अधिक परिवारों को उनके पशुधनों के चारे के तौर पर कपिला पशु आहार बैग वितरित किए गए, ताकि राहत शिविरों में रह रहे आपदा प्रभावितों के पशुओं के लिए चारा पत्ती की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सके। ट्रस्ट की ओर से समाज सेवी डोबाल ने बताया कि तारा माता ट्रस्ट का समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम है और 2 साल पहले तपोवन ऋषि गंगा आपदा में इसी ट्रस्ट ने सबसे पहले तपोवन आपदा में मदद पहुंचाई थी। हरिद्वार से हमारे श्री तारा माता हैं, जिनका ओंकारानंद ट्रस्ट और तारा माता ट्रस्ट के नाम से है। इन्होंने पिछले बार तपोवन की आपदा में सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की तो माता तारा ने की, और माता तारा तपोवन में भी बहुत सारे घरों में गई, परिवारों घरों में गई, वहाँ में लोगों के सुख दुख बांटे। और जब उनको ये पता चला कि जोशीमठ में भी इस तरह से आपदा है तो उन्होंने मेरे से भी संपर्क किया, तो मैंने कहा मुझे माता जी इस समय गाय पशुएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, मनुष्य के लिए तो कहीं ना कहीं से सरकार भी लगी है लेकिन पशुओं की स्थितियाँ अभी ख़राब हो रही है। तो माता जी ने तुरंत ही 500 बैग कपिला पशु आहार का यहाँ पे भेजा, जिससे 9 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में जितने पशुपालक हैं, जो कि लिस्ट 600 की लिस्ट हमको पशुपालन विभाग से प्राप्त हुई, और प्रत्येक वार्डों में बहुत अच्छे ढंग से माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पे सभी पशुओं को ये चारा प्राप्त हो रहा है। और माता जी ने कहा है इसके बाद यदि कहीं कमी पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो माता जी सभी परिवारों के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और निरंतर आशीर्वाद।